भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने निराश होकर दिल्ली जिला अब राज्य क्रिकेट संघ के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। वह सरकार की तरफ से DDCA में निर्देशक नामित निदेशक थे, लेकिन उन्होंने अब इस राज्य क्रिकेट संघ से किनारा कर लिया है। गौतम गंभीर के करीबी ने कहा है कि अब भारतीय क्रिकेटर दिल्ली डेविल्स के खिलाड़ियों के लिए सोचता था और अब बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन DDCA में कुछ ऐसे फैसले लिए जिनका उनका मन खराब हो गया। यही नहीं, उन्होंने खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए कई सिफारिशें भी की, जिनमें से अधिकतर को किनार कर दिया गया। जिसके अलावा सांसद बनने के बाद अब उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि जब DDCA में उनके मन का काम नहीं हो रहा है तो यहां से हटना ही बेहतर है। DDCA का चुनाव जीतने के बाद सचिव विनोद तिहारा ने कहा था कि राज्य संघ में क्रिकेट से जुड़े मुद्दों का फैसला गौतम गंभीर करेंगे। DDCA के संविधान के अनुसार यहां सरकार की तरफ से निदेशक नियुक्त होने, जिसमें एक दिल्ली के पूर्व कप्तान गंभीर थे। अब देखना होगा, कहीं ना कहीं जैसे ही शाह के बेटे जय शाह महासचिव बने, आप देखने वाली बात है कि यहीं पर आप गौतम गंभीर ने इस्तीफा दे दिया है। आप देखने वाली बात है कि गौतम गंभीर इसको लेकर आगे क्या कहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। हर्ष की रिपोर्ट।